स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल रमिंदर मैथ्स हब आई एम रमिंदर गाइज आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज टाइम पर मिलती रहे आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इस साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ए नदर ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स गिवन हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी सी की साइड्स ए बी ए सी और उसका मीडियन ए डी जो है वो पी क्यू आर की साइड्स पी क्यू पी आर और उसके मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है ये साइड्स और मीडियन हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ये पी क्यू आर के सिमिलर है फाइन तो जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है वो सब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए डी और पी एम उनके मीडियंस हैं और फिर ये वाली रेशोज हमें इक्वल गिवन है हमें गिवन था ना दैट ए बी ए सी एंड ए डी इज़ प्रपोशनल टू पी क्यू पी आर एंड पी एम रिस्पेक्टिवली है ना मीन्स इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया और हमें जो प्रूव करना है वो है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ट्वेल्व के जैसा है लेकिन इसको करने का तरीका उससे बहुत ही डिफरेंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देख के आपको समझ में आ जाएगा इसमें बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप आएगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें अगर ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है तो हमें कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल चाहिए होंगी या फिर कौन से एंगल्स इक्वल चाहिए होंगे देखिए हमें हमारे पास तीन क्राइटीरिया होते हैं एक होता है एंगल एंगल है ना और एक होता है एस ट्रिपल एस एंड देन एस ए एस फाइन मीन्स दो एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या फिर तीनों साइज प्रोपोर्शनल आ जाएं और यहाँ फिर दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल आ जाए और यहाँ पे देख के मुझे ये वाला क्राइटेरिया इजीली मिल सकता है किस तरह से क्योंकि दो साइड्स की रेशियो ऑलरेडी इक्वल है ट्राइंगल की है ना ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इतनी चीज़ को मैं यूज़ कर पाऊंगी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए तो बचा क्या उनका इंक्लूडेड एंगल तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है ये एंगल ए एंड दिस एंगल पी ठीक है अगर इनको मैं सेम कर दूं, इक्वल कर दूं एंगल ए को और पी को तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगी फाइन तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें एक कंस्ट्रक्शन स्टेप है वो आपको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन स्टेप एज हमें यहाँ पे डी ए डी को प्रोड्यूस करना है टू सम पॉइंट ई यहाँ पे ई e पॉइंट तक हम ए डी को प्रोड्यूस कर लेते हैं और ई e और सी को ज्वाइन कर लेंगे ठीक है जिस तरह से यहाँ पे किया हमने इसी तरह से पी एम को भी प्रोड्यूस करेंगे एक पॉइंट तक एन तक और उसे हम आर के साथ ज्वाइन कर लेंगे फाइन तो ये देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ए डी है हमने कितनी प्रोड्यूस की है ई तक जितना ए डी की लेंथ होगी उतनी ही डी ई की लेंथ होगी फाइन और यहाँ पे भी जितनी पी एम की लेंथ है उतनी ही एम एन की लेंथ है मगर मीन्स कि अगर ये ए डी जो है ये टू सेंटीमीटर है तो डी ई भी हमारी टू सेंटीमीटर होगी फ़ाइन तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहे हैं एक्स प्रोड्यूस कर देते हैं प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट ई एंड सच दैट यहां पर हम लिख देते हैं सच दैट की ए डी जो है वो डी ई के इक्वल है फाइन ए डी को हमने इस तरह से ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया कि ए डी की लेंथ और डी ई की लेंथ आपस में इक्वल है और साथ में इसी तरह से यहां पर भी एंड प्रोड्यूस पी एम टू पॉइंट एन सच दैट वहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि पी एम की लेंथ जो है वो किसके इक्वल है एम एन के मीन्स एम को एन तक हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया कि पी एम के इक्वल ही है ये लेंथ फाइन तो ये चीज़ें हो गई और साथ में हमने ज्वाइन किया सी को ई e के साथ एंड आर को एन के साथ फाइन इसको हमने ई e को सी के साथ ज्वाइन कर दिया और एन को आर के साथ ज्वाइन कर दिया ठीक है अब देखिए प्रूफ स्टार्ट होगा इसका प्रूफ में देखिए हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं इन प्रूफ मैं ये वाली दो ट्राइंगल्स को चूज करूँगी ये ए दिस ए डी बी एंड डी सी ई ये दो ट्राइंगल्स को चूज करके हम इन दोनों को कंग्रेंट प्रूफ करेंगे फाइन तो देखिए इन ट्राइंगल फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राएंगल डी सी ई कौन सी तीन चीज़ें हैं जो इक्वल है कंग्रेंट में हमें इक्वल चाहिए होती हैं है, है ना एंगल्स कोई भी एंगल इक्वल आ जाए या कोई भी साइड्स इक्वल आ जाए सिमिलर में अलग होता है सिमिलर में एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे देखिए ए बी डी में जो हमारा ए डी है वो डी ई के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन है ना हमने अभी अभी किया कि ए डी जो है इसकी साइड है ए बी डी की और डी सी डी इसकी साइड है डी सी ई की डी ई साइड ठीक है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन के साथ इसको इक्वल ड्रॉ किया था तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा बाय कंस्ट्रक्शन फाइन और देखिए BD डी इज इक्वल टू डी होगा डेफिनेटली क्योंकि AD क्या है मीडियन और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल जो है वो जिस साइड पर मीडियन ड्रॉ uh, हुआ है उस साइड को वो बाइसेकट करता है फाइन दिस साइड BD डी इज इक्वल टू डी सी एज ए डी इज मीडियन देर फोर डी बाइसेक्ट बी सी ठीक है तो इस तरह इसके कारण कि ये मीडियन है तो ये बायसेक करेगा बी सी साइड को फाइन तो यहाँ से बी डी इज़ इक्ल टू सी डी आ गया एक एंगल जो है ये वाला ये मुझे वर्टिकली ऑपोजिट नज़र आ रहा है इस एंगल के है ना जहाँ पे हमारा क्रॉस बनता हो ये यहाँ पे ये जो एंगल्स बनते हैं बनते हैं एक दूसरे के बिल्कुल सामने वो क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं ठीक है तो यहाँ क्या रीज़न आएगा एंगल बी डी ए इज़ इक्वल टू एंगल सी डी वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स फाइन तो ये हमारे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे साइड एंगल साइड ठीक है दो साइड्स इक्वल थे और उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल था तो एस ए एस के साथ जो ट्राइंगल्स हैं एस ए एस के साथ ट्राइंगल ए बी डी एज सिमिलर टू ट्राइ एंगल डी सी ई फाइन तो ये दोनों अगर सॉरी कंग्रेंट कंग्रेंट प्रूव किया हमने इनको तो ये कंग्रेंट हो जाएंगी ठीक है तो अगर ये कंग्रेंट हो गई हैं तो सी पी सी टी के साथ फिर हम कोई भी दो साइड्स को एंगल्स को आपस में इक्वल लिख पाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दे आर फोर ए बी इज इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी दीज आर द कंग्रेंट पार्ट्स ऑफ द दीज आर दॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रेन ट्राइंगल्स ठीक है तो इसके कारण ये जो ए बी साइड है ए बी डी की ये डी सी ई को जिसको हमने कंग्रेन प्रूव किया आपस में उसकी सी ई साइड के ईगोला जाएगी फाइन इसको हम यूज़ करेंगे फाइन तो जिस तरह से हमने इनको कंग्रेन प्रूव किया है इसी तरह से अब हम ये वाली दो ट्राइंगल्स को भी कंग्रेन प्रूव कर पाएंगे ठीक है इसको कंग्रेन प्रूव कर देते हैं अब तो पहले हम ए बी और सी ई e को जब हमने इक्वल प्रूव किया तो उसको हम वन मार्क करके छोड़ देते हैं इसको हम यूज़ करेंगे रिजल्ट को फाइन अब हम जिस तरह से हमने ये वाली दो ट्राइंगल्स को सिम कंग्रेन प्रूव किया ए बी डी को सी डी ई के साथ इसी तरह से हम पी क्यू एम को अब इसके पी एम आर एम एन के कंग्रेंट प्रूव करेंगे ठीक है हमने इनको ऑलरेडी प्रूव कर दिया ये वाली दो ट्राइंगल्स को और यहाँ से सी ई इज इक्वल टू ए बी रिजल्ट को हमने मार्क कर लिया ठीक है अब इन दोनों ट्राइंगल्स की टर्न है इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड आर एम एन इसमें भी देखिए ये जो साइड थी ये इसके इक्वल थी बाय कंस्ट्रक्शन हमने पी एम को एम एन के ही इक्वल ड्रॉ किया था फाइन और ये जो साइड है एम एन दिस विल बी इक्वल टू एम आर है ना क्यों क्योंकि ये जो है फिर से पी एम जो है ये मीडियन है तो दैट्स वाई एम पॉइंट जो होगा वो क्यू आर साइड को बाइसेक्ट करेगा फाइन और ये वाले एंगल्स दोनों वर्टिकली ओपोजिट आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल दिस पी एम इज़ इक्वल टू एम एन बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है हमने खुद से कंस्ट्रक्शन की थी और देन क्यू एम इज इक्वल टू एम आर बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा पी एम इज मीडियन दे आर फोर एम बाय सेक्स क्यू आर ठीक है तो दैट्स वाई क्यू एम जो है ये एम आर के इक्वल आ गया ठीक है और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए क्यू एम दिस इसको नाम दे देते दे हैं पी एम क्यू एंड एम आर एम एन ठीक है दिस इज एंगल पी एम Q is equal to angle R M N fine. So these are vertically opposite angles. तो so, यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल आ गया फिर से है ना जिस तरह से हमने इनको किया था सेम वैसे ही हुआ ये ये वाली जो ट्राइंगल है ये कंग्रेंट प्रूव हो गई है आर एम एन के बाय एस ए एस प्रॉपर्टी के साथ ठीक है सो बाय एस ए एस ट्राइंगल पी क्यू एम एज कंग्रेन टू ट्राइंगल एम आर एन तो यहाँ पे फिर से हम रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कंग्रेन uh, प्रूव हो गई हैं तो ये जो साइड पी क्यू होगी ये इक्वल होगी आर एन के बाय सी पी सी टी ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू आर एन जब हम दो ट्राइंगल्स को कंग्रेन प्रूव कर लेते हैं तो कोई भी एंगल्स को कोई भी साइड्स uh, को हम इक्वल लिख पाते हैं ठीक है तो इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर टू ठीक है two, अब आते हैं जो हमें गिवन था उसको हम फिर से लिखेंगे हमें गिवन था ए बी नाउ यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ एन ट्राइंगल पी क्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं नाव इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज गिवन दैट गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम ये जो है हमें गिवन था स्टेटमेंट में थी ठीक है तो देखिए अब ए बी जो है उसको हमने सी ई e के इक्वल लिखा हुआ है न और वन इक्वेशन में हमने मार्क किया हुआ था दैट ए बी इज इक्वल टू सी ई तो यहाँ पे हम ए बी की जगह पर सी ई को यूज़ करेंगे और पी क्यू की जगह पे आर एन को यूजिंग वन एंड टू तो यहाँ पे बाकी इक्वल ही है बाकी ए सी अपॉन पी आर और यहाँ पे ए डी और पी एम है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और इसको हम टू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं मींस ऊपर भी हमने टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रीज़न तो है यूजिंग वन एंड टू इसका हमने रीज़न लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ठीक है अब मैंने यहाँ पे टू ए डी क्यों लिखा क्योंकि देखिए ए डी जो था इसको अगर हम ट्वाइस करते हैं तो ये पूरी लेंथ ए ई आएगी क्योंकि ए डी जो था वो डी ई के इक्वल था मीन्स यहाँ तक जो लेंथ थी मान लीजिए ये टू सेंटीमीटर है और ये भी टू सेंटीमीटर है तो टोटल ये हो गई फोर क्या हुआ इसका ट्वाइस हो गया ईडी का सो ए डी का ट्वाइस करने पर हमें ए ई -E साइड मिल जाएगी ठीक है तो इसी तरह से पी एम का ट्वाइस करने पर पी एन साइड मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे ए ई अपॉन पी एन ठीक है बाकी सब कुछ इसी तरह से ए सी अपॉन पी आर एंड सी ई अपॉन आर एन बाकी सब कुछ इसी तरह से है इसको ट्वाइस करने पर जो साइड्स मिल रही हैं उनको हमने लिख दिया ठीक है ये क्यों था बाय कंस्ट्रक्शन ये भी हमने खुद से कंस्ट्रक्शन की थी और उसमें हमने किया हुआ था दैट ए डी जो लेंथ है वो डी ई के इक्वल है एंड पी क्यू पी एम जो लेंथ है वो एम एन के इक्वल है ठीक है तो ये ट्वाइस करने पर ये वाली साइड्स हमारे पास बन जाती हैं ठीक है थीके? तो अब देखिए ये कौन कौन सी साइड्स बन रही है देखते हैं हम फिगर से हमारे पास आया सी ई तो यहाँ पे देखिए सी ई साइड कौन सी है सी ई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन ठीक है मीन्स हमारे पास जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है सी ई ए सी ए ई साइड्स को मिलाकर वो कौन सी है सी ई ए सी और ए ई -E को मिलाकर ये वाली ट्राइंगल हमारी ए सी ई ट्राइंगल तो ये सिमिलर प्रूव हो गई आपस में क्योंकि इसकी सारी जो साइड्स हैं ये इस वाली ट्राइंगल जो पी आर एन है इस वाली ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल है सारी साइड्स ठीक है तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया दे आर फोर ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ एस 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 क्राइटेरिया के साथ फाइन दोबारा से देखते हैं सी ई ए सी और ए -E की के, के साथ बनने वाली जो ट्राइंगल है ए सी सी ई ए ये वाली जो ट्राइंगल है ये कौन सी साइड्स आर एन पी आर पी एन आर एन पी आर एंड पी एन ये वाली साइड्स को मिलाकर ये दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं ठीक है तो इनकी साइड्स हमने प्रोपोर्शनल लिखी हुई हैं सी ई -E जो है वो आर एन के सी ई आर एन के प्रोपोर्शनल है ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है और ए हमारी पी एन के प्रोपोर्शनल है तो ये सारी जो ट्राइंगल है ये वाली ये पूरी इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव हो जाएगी बाय ट्रिपल एस क्राइटीरिया ठीक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया तो अगर हम लिख पाते हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर तो उनके कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स को कॉरस्पोंडिंग एंगल्स को हम इक्वल लिख पाते हैं ना है ना तो यहाँ पे क्या आएगा हम लिख देते हैं दिस एंगल वन इज़ इक्वल टू एंगल टू ठीक है ये जो है ये वाली ट्राइंगल का एंगल है एक और ये जो एंगल टू है ये ये वाली ट्राइंगल का पार्ट है फाइन तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर पाएंगे एंगल देआर फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर थर्ड इक्वेशन फाइन तो जिस तरह से हमने एंगल वन को एंगल टू के इक्वल लिखा इसी तरह से हम एंगल थ्री को एंगल फोर के इक्वल लिख पाएंगे ठीक है जिस तरह से जो प्रोसेसिंग हमने यहाँ पे की है इसको सिमिलर प्रूव करके इन ट्राइंगल्स को उसी तरह से इसको भी अगर हम ज्वाइन कर देते बी ई को तो इसको इस ट्राइंगल के साथ कंग्रेंट करने पर ये वाले पार्ट्स को इक्वल यूज़ करने पर फिर ये आ, जो ट्राइंगल है ये सिमिलर प्रूव होने पर एंगल थ्री को एंगल फोर के हम इक्वल कर सकते थे ना? तो वो प्रोसेसिंग सारी दोबारा से नहीं करेंगे जिस तरह से हमने एंगल वन को टू के इक्वल लिखा सेम वो उसी तरह से थ्री को फोर के इक्वल लिख पाएंगे ठीक है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे सिमिलरली सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर उसके लिए हम सारा कुछ फिर से शो नहीं करेंगे जिस तरह से हमने वन को टू के इक्वल किया उसी तरह से ही थ्री भी फोर के इक्वल है ठीक है अब देखिए अगर मैं वन और थ्री एंगल को ऐड करूं और इधर टू और फोर को ऐड करूं तो यहां पे एंगल ए और यहां पे एंगल पी नजर आ रहा है ठीक है तो क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर ठीक है वन और थ्री को ऐड करेंगे इधर और उधर हम टू और फोर को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो गई और राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो गई तो वन और थ्री को मिला करके हमारे पास एंगल ए बना और टू और फोर को मिला करके एंगल पी बन गया ठीक है देख सकते हैं आप वन और थ्री को मिलाया तो ये एंगल ए बन गया टू और फोर को ऐड uh, किया तो ये एंगल पी बन गया ठीक है तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और हमें गिवन क्या था गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हमारे पास क्या बना दैट ट्राइंगल ए बाय कौन सी प्रॉपर्टी के साथ एस ए एस के साथ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाती है पी क्यू आर ट्राइंगल की ठीक है अब यहाँ से हम आपको फिर से दिखा देती हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और यहाँ से एंगल दिस ए इज इक्वल टू एंगल पी प्रूव किया हमने ठीक है तो इसके साथ एस ए एस प्रॉपर्टी के साथ ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर प्रूव हो गई पी क्यू आर के ठीक है तो इसके साथ ये जो है हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स बाय बाय